ये नितिन गडकरी साहब और मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी साहब का नाम मैंने बदल दिया हूं स्पाइडर मैन। मकरा जाल हिंदुस्तान का हर कोने में स्पाइडर जैसे जाल बिछाता है, वैसे नितिन गडकरी साहब ने जाल बिछा के रखा है सड़कों का। आई डू हियर बाई स्टैंड टू सपोर्ट द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। व्हाई? बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नितिन गडकरी जी, द वंडरफुल परफॉर्मेंस डन बाई द मिनिस्ट्री एंड द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन स्ट्रेंथनिंग द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, हमारे मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे हैं, जहां पर कोई भी इशू रिलेटेड रोड हाईवेज नेशनल को लेके आप जाइए, मंत्री महोदय गडकरी साहब, हमारे वीके सिंह सर, हमारे मंत्री, ये आपको पॉजिटिव रिस्पांस देके आपकी बात सुनते हैं। नेशनल में है तो किस तरीके से इसे करना है, स्टेट से नेशनल करना है तो किस योजना से इसको काम करके लाना है। ये एक ही डिपार्टमेंट है जहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से काम किया जाता है। और पिछले 7 वर्षों में जो अमरावती जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ महाराष्ट्र में, आज भी हम महाराष्ट्र में बहुत सारी रोडों की दिक्कत हमें आती है, पर मुझे लगता है ये डिपार्टमेंट पिछले 7 वर्षों में जो तरीके से अमरावती के इंटरनल एक्सटर्नल बाहर के जो रोड्स हैं ये डिपार्टमेंट ने किए। आज अमरावती कोई भी बड़ा पॉलिटिकल आई या कोई भी बड़ा व्यक्ति हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है तो वो देख के उसका दिल खुश हो जाता है कि ये रोड सेंटर से बने हुए हैं और इस तरीके से इसकी रोड की तैयारी ये डिपार्टमेंट ने की है। सर मैं भी आ गए हैं, बहुत बहुत आपको मंत्री जी, मुझे नहीं लगता कि पूरे सदन के अंदर कोई भी ऐसा सांसद होगा कि जिन्होंने आपकी प्रशंसा ना करी हो, तो मैं सबकी तरफ से जो है मैं सोचती हूँ कि तालियां बजाकर हमें मंत्री जी का स्वागत करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी जिस तरह से हमारे मंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे राज्य मंत्री बीके सिंह जी को देख रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक सदस्य का नोट कर रहे हैं, जिस ढंग से काम कर रहे हैं, हमको हमारे क्षेत्र में लोगों ने चर्चा किया कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का किसी एक मंत्री को ले लेना है तो आप किसको लीजिएगा। हम बोले कि अगर किसी एक को चॉइस करना होगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हम नितिन गडकरी जी को चॉइस कर लेंगे तो बिहार और देश का हम लोग विकास कर देंगे। सर आई एम रियली थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, परहैप्स ही इज द ओनली मिनिस्टर हु डज नॉट नो हाउ टू से नो। व्हेनेवर वी गो वी विजिट हिम विथ ए प्रपोजल ही विल हैव ए सोल्यूशन, he will have a positive reply for all the projects, sir. So I thank him, sir, on behalf of every Kannadiga across Karnataka, sir. Sir, whenever I visit his house or his office, there is a quote on the wall of his office or his residence, sir. It is by the famous American president John F. Kennedy. American roads are good not because America is rich, but America is rich because American roads are good. Sir, it is not just a slogan or a quote for him, sir. He literally means he works towards it. That is the reason we are seeing a lot of changes across the country, sir. लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कट्टर विरोधक भी है तो वो भी इस बात को कबूल करेगा कि आज इस देश के अंदर अगर अच्छी सड़कें देखने को मिल रही है, बड़े फ्लाईओवर्स देखने को मिल रहे, एक्सप्रेसवे और सुपर एक्सप्रेसवे देखने को मिल रहे हैं, तो इसका सहरा अगर किसी के सर पर जाता है तो नितिन गडकरी जी के सर पर जाता है। यकीनन आज इस मंत्रालय के अंदर जो काम किया जा रहा है वो वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ बात है। मैं जितना दिल खोल कर नितिन गडकरी जी की तारीफ कर रहा हूँ उतना ही धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मंत्री जी का कि जिन्होंने हमेशा हम नए सांसदों के लिए जो भी हमारी मांगे हुई उनको पूरा करने के लिए कभी मंत्री जी ने मना नहीं किया और पॉजिटिव वे में उसको पूरा करने का काम किया। कुछ विषय लेकर के हम चुनाव लड़ते हैं तो इसके लिए अगर किसी को प्रशंसा करनी है देश के प्रधानमंत्री जी को और माननीय नितिन गडकरी जी को हम सब लोग प्रशंसा करते ही है। नॉर्थ ईस्ट में आज विकास के जो बड़ी जो हमारे उपलब्धियां है, आज सड़क परिवहन हो, नेशनल हाईवे हो, आज नेशनल हाईवे, आज मैं नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली जो आजादी के बाद डिस्कनेक्ट होते थे, कोई सड़क नहीं था, कोई ब्रिज नहीं था, आज माजुली कनेक्ट जोरहाट माजुली निमातीघाट माजुली ब्रिज का शिलान्यास करके आज उस ब्रिज का काम आज जोरदार से चल रहा है। आज माजुली के लोग बहुत खुश है। सभापति जी, हमने हिंदुस्तान के इतिहास में पढ़ा है कि सबसे लंबी सड़क जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनाई थी जो चटगांव से लेकर लाहौर तक थी 2,500 किलोमीटर की। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा याद रखेगा कि आदरणीय मंत्री जी ने 66 लाख किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व को दूसरे नंबर पर भारत में यह सड़क बनाने का काम किया है। आज भारत दूसरे नंबर पे है, इसलिए मैं मेरी तरफ से और मेरे क्षेत्र की तरफ से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। किसी भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से जिस गति से सड़कों का निर्माण हुआ, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे सीआरएफ की सड़कें हमारे क्षेत्र में मिली हो, चाहे अन्य काम हो, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक गांव से दूसरे गांव लोणन से आदर की जदार था और जाते जाते इतना मुझे अच्छा लगा जो विनती हमने की थी और गडकरी साहब आके उन्होंने उधर के जो इंजीनियर साहब थे उनको सूचना ही दी थी 80 किलोमीटर का वेग रहता है। मैंने ट्राई करके देखा सौक जाता या ना जाता था। जैसे वो गांव में गया लोगों ने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया और मुझे धन्यवाद दिया। अच्छे काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा कहना सवर्ण में भी अच्छा है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे ही क्षेत्र में पाटन तहसील में कोयना नगर की तरफ एक केरा नदी है, वो नदी पे पुल बनवाकर कुछ काम गए 3-4 सालों से हो नहीं रहा, वाइडनिंग कर। मोदी जी और आदरणीय गडकरी जी का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने देश के उन क्षेत्रों की अपेक्षा पूरी की है जो बरसों से विकास का राह जो हो रहे थे। विकास हुआ है, कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जिसने की विकास की बात नहीं कही, जिसने डेवलपमेंट की बात नहीं कही, जिसने प्रधानमंत्री जी को प्रेज नहीं किया, जिसने माननीय नितिन गडकरी जी को प्रेज नहीं किया। और यह दिखाता है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी, जो विरोध में भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी इस चीज का एहसास है कि पिछले 7 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश का जितना विकास हुआ उतना 70 साल में कभी विकास नहीं। विच इज लेड बाय वन ऑफ द efficient ministers of this government, sir, and also sir he executes each and so thank you sir he executes each and every single project with meticulously planning with and executes with passion sir. By and large jo dash hai, direction hai, and the kind of commitment the minister has तो उसको सब अप्रिशिएट करते हैं। अभी श्रीनगर तशरीफ लाए थे, वहां पर अभी उन्होंने, ये एक ऐसा मंत्रालय है कि वाकई जिसने देश में बहुत काम किया है और मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर भी इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम इस मंत्रालय ने पिछले कई वर्षों में लगातार किया है। और जब भी सांसदों की कोई समस्या होती है तो इस मंत्रालय के मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी साहब, वो आज हाउस में नहीं है, वो हमेशा सीरियसली टेकअप करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कुल कितनी सड़कें हैं। हमारे देश की सड़कों की लंबाई है 58,90,000 किलोमीटर। अगर हम इस पृथ्वी की ओर चारों ओर घुमाएं तो करीब करीब 147 चक्कर हम पृथ्वी के लगा सकते हैं, और अगर पृथ्वी से चंद्रमा को अगर हम जोड़ें तो ऐसी 15 सड़कें हम बना सकते हैं। इतनी हमारी देश की सड़कों की लंबाई है। और इसका अगर धन्यवाद, इसका अगर श्रेय जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी को, और हमारे सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्रालय के हमारे सम्माननीय मंत्री जी गडकरी जी, हमारे सिंह साहब और सभी मंत्रालय के अधिकारी और हमारे इंजीनियरों को जाता है। इसका जो सड़कें हमारे 2 दिन में नितिन गडकरी जी करने का काम पूरा देश धन्यवाद करता है उनके लिए। मैं इसके ऊपर ऐसा मंत्री रहना, सब लोग हम नया से चुन के आए
संसदगण, कोई भी संसद उधर, कोई पार्टी वाले उधर गए तो भी काले हाथ में नहीं आता, सब लोगों का काम होता। ये देश में रोड का काम बहुत तेजी से चल रहा है। एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी फॉर टू थिंग्स। वन इज फॉर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन फॉर 51 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स एंड सेकंड फॉर अनाउंसिंग फॉर स्पेंडिंग 3 लाख करोड़ फॉर द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी भी जाओ मिनिस्टर साहब पूछे तो अपॉइंटमेंट आधा घंटे में मिल जाएंगे, काम बन जाएंगे। ऑन बिहाफ ऑफ द हाउस क्या बोल, मैं बड़े आदमी आए उसका ऐसा, सब मंत्रियों को रिक्वेस्ट है, पार्टी को नहीं देखना, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए तो ऐसे रिसीव करके काम करे तो बहुत अच्छा रहता बोल के मैं सब मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट करते हुए कर लो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, योर मिनिस्ट्री हैज डन एन एक्सेलेंट जॉब इन माय स्टेट एंड देयर इज नो डाउट दैट आवर रोड्स आर गेटिंग बेटर। आई मस्ट थैंक द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर लेइंग सच अ गुड ब्रिजेस एंड एवरीथिंग इन गोवा, सो वी अप्रिशिएट एंड स्पेशली when you come for the inauguration don't forget to call me for the cup of coffee on the top of the bridge. Sir, it is a wonderful performance by the honorable minister Sri Nitin Gadkari ji. We all extend our appreciation and congratulations to you for having the wonderful performance of the ministry of road transport and highways.